दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। दोस्तों हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए करियर को लेकर बात करते हैं। आपको हम लोग ने लॉ के बारे में, मेडिकल के बारे में और इंजीनियरिंग के बारे में और अन्य कई विषयों पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें सोलर, विंड, उन सारी बातों का आ जाता है जहां पे हमने नेचुरल रिसोर्सेस को उसको अकुमुलेट करके पावर जनरेशन का सपना देखना शुरू किया। आज के दिन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अरे बिजली चली गई, अरे, क्योंकि खपत हम लोग का बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेस है, जो नेचुरल ये जो कोल है ये सीमित है। तब हम लोगों ने आए बाएं झांकना शुरू किया कि भाई और क्या नया किया जाए। एक और बड़ा चैलेंज था, वो था ग्रीन गैस एमिशन। ग्रीन गैस एमिशन की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉल्यूशन ग्लोबली उसको कंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसलिए अब हम लोग बहुत तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, विंड एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा हम लोग विंड मिल्स लगा रहे हैं और ज्यादा प्रोजेक्ट्स इसके क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ होता क्या है कि करियर के भी एक नई दिशा एक तैयार होती है। अब कई कोर्सेज डिजाइन हो रहे हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को ही टारगेट करती है। हमने और आपने शायद ही सुना था कि MBA उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक्चुअली स्पेशलाइजेशन कोर्सेस मौजूद है। तो आइए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जो कि नेशनली पर्टिकुलरली सोलर, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें, उसके ऊपर उनका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है। इसमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी एडवाइजर भी रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है मिस्टर मोहम्मद सैफ, जो कि पार्टनर है अर्नेस्ट एंड यंग ग्रुप में और ये स्पेशलाइज करते हैं इन द फील्ड ऑफ सोलर सेक्टर, यानी उसकी यूटिलिटी, उसका प्रोडक्शन ये सरकार को बताते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉमर्शियल कैपेसिटी क्या हो सकती है। तो दोस्तों आइए कुछ करियर के नए स्रोत जानते हैं मिस्टर मोहम्मद सैफ के साथ। तो मोहम्मद सैफ साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्राइम टीवी के स्टूडियो पे करियर काउच के इस कार्यक्रम पर। सर मैं जानना चाहूंगा ये रिन्यूएबल एनर्जी क्यों आज इतनी दरकार की बनी हुई है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इसका। सन 2015 में यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। उसमें समस्त देश, जितने भी आप सोच सकते हो दुनिया के, सब ने पार्टिसिपेट किया। 190 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया और उन देशों ने आपस में ये तय किया कि हम अगले 10 या 15 या 20 साल में जो पर्यावरण में डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ कोयला जलने से या इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उसको लिमिट करेंगे। और लिमिट कैसे करेंगे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लेवल थे, जो टेम्परेचर्स होते थे, उसके बराबर से करीब 1.5% आज जो होना चाहिए था उससे कम करके लेके आएंगे। सो जब ये डिसाइड हुआ और सबने उसके ऊपर हस्ताक्षर सिग्नेचर्स किए, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया इसमें उभर के आया वो रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान था इस चीज़ को करने के लिए। अब रिन्यूएबल एनर्जी हम किसको कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसको आप बिना किसी फ्यूल को यूज करे हुए, बिना किसी जैसे कोयला, अभी तक जो हम बिजली बनाते हैं, बिजली ही सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। जो बिजली दुनिया में बनती थी वो मेजरली कोयला जलाने से बनती थी। जब कोयला जलता है तो
तो जाहिर बात है कि एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण होता है सबसे ज्यादा उसी से होता है, कार्बन एमिशंस जो कहते हैं। 70% जो टोटल एमिशंस है वो पावर से या बिजली से ही होते हैं। जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो ये पोल्यूशन या जो एमिशन है वो एकदम से जीरो हो जाता है। अब रिन्यूएबल में कई तरीके के ऑप्शन हैं, सबसे ज्यादा तो सोलर या सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, विंड, विंडमिल्स लगे रहते हैं, बिल्कुल, हाइड्रो, हाइड्रो हम काफी साल से यूज कर रहे हैं जी। और ऐसे ही नए कुछ एरियाज हैं जो अभी उतने ज्यादा मास स्केल पे नहीं हुए, जैसे बायो एनर्जी है जिसमें हम जो खेतों में क्रॉप्स होते हैं उसको यूज करके बर्न करके एमिशंस कम होते हैं, या टाइडल एनर्जी है जहाँ पर समुन्द्र में आप टर्बाइन लगाएं और वेव से बिजली बना लें। बट जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो सबसे कॉमर्शियली मोस्ट वायबल जिसे कहते हैं ऑप्शन सोलर है और विंड है। ये दोनों के ऊपर आज हम चर्चा ज्यादा करेंगे। सो ग्लोबली अगर आप देखें ज्यादातर देश में सूरज की किरणें ऐसी हैं जिससे हम उस देश की जितनी भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उसको आप सिर्फ सोलर से ही कर सकते हैं। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ विंड जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर सोलर से ज्यादा, क्योंकि वहाँ पर क्लाउडी कंडीशन ज्यादा रहते हैं, विंड बहुत ज्यादा है। सो ये दोनों मिलकर आने वाले वक्त में काफी मेजर ट्रांजिशन लेके आने वाले हैं। आजकल बहुत एक वर्ड चल रहा है नेट जीरो टारगेट, हर देश बोल रहा है कि मैं एक डेट पे नेट जीरो हो जाऊंगा। भारत के नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन, जो मेरे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है उसका मैं किसी भी तरीके से ऑफसेट करके जीरो कर दूंगा। अच्छा, तो जैसे मालदीव ने बोला है मैं 2030 में कर दूंगा। लेकिन सबसे एक बात है, जब आप ग्रीन गैस एमिशन की बात करते हैं तो दैट इज नीड नॉट बी ओनली फ्रॉम सिर्फ कोयले की बात नहीं होती है, वो कई सारे होते हैं, कई सारे होते हैं। आप तो एसी के लिए भी कहा जाता था कि भाई जो एयर कंडीशनर्स हैं उसका वो चेंज किया जाए क्योंकि वो भी ग्रीन गैस एमिशंस में बहुत बड़ा हिस्सेदारी है उसमें। सबसे मेजर है एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल सबसे मेजर, राइट। सो उसमें भी मतलब जब आप ये पूरा प्लान बनाओगे तो उसमें रिन्यूएबल मेजर कॉम्पोनेंट है बट अकेला कॉम्पोनेंट। सबसे एक बात मुझे बताइए कि जब ये आपने कहा कि जैसे अलग अलग देश, यूरोप में जैसे विंड फोर्स कुछ ज़्यादा है तो वहाँ विंड मिल्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, वहाँ वो रिन्यूएबल्स का सोर्स ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ सोलर का ज़्यादा चलन है, ये गर्म देश है, ज़्यादातर धूप रहती है। तो इधर से वॉट अबाउट एट दोज पर्टिकुलर टाइम जब आपके पास यहाँ पे जैसे धूप नहीं रहती है, देन वॉट हैपन्स? कई कई बार जो है बारिश जो है महीनों चल रही हैं और धूप नहीं निकलता, तब क्या होता है, उन क्षेत्रों में क्या करते हैं आप? देखिए जब आप बिजली के पोर्टफोलियो की बात करते हो उसमें एक सोर्स कभी भी यूटिलाइज नहीं होता। सो जब आप रिन्यूएबल की बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि सोलर है, विंड है जी, और भी गैस को अगर आप देखें तो एक तरीके से कोयले के कंपेरिजन में पर्यावरण को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है जी। हाइड्रो है, जब बारिश होती है तो आप हाइड्रो कर सकते हो। सो जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम कार्बन एमिशंस निकालो। अब इसको करने का तरीका ये है कि आपने सही बात बोला, सोलर होना चाहिए, विंड होना चाहिए। जब बारिश होती है तो जाहिर बात है सोलर आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो अब आप इस रीजन को देखो, साउथ एशिया को। साउथ एशिया में अगर आप देशों को देखोगे तो हिंदुस्तान या भारतवर्ष के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो भूटान हो चाहे नेपाल हो, सब में हाइड्रो बहुत ज़्यादा है जी, जी। तो रेनी सीजन में आप ऐसा, और भारत के साथ कनेक्शंस भी हैं। आप देखो भारत आज नेपाल से भी बिजली कनेक्ट करा हुआ जी, 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 बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। भूटान में भी उसका ऐसा है हाइड्रो प्लांट है। सो एक अच्छा पावर सिस्टम वो होता है जो प्राकृतिक चीजों को समय के हिसाब से यूज करके अपनी नीड्स को पूरा करे एनर्जी की, ऊर्जा की। सो आपकी बात सही है कि कभी ऐसा होगा विंड ज्यादा, हवा की स्पीड ज्यादा होगी, कभी ऐसा होगा सूरज ज्यादा होगा, कभी ऐसा होगा दोनों नहीं चल रहे होंगे तो हमको कोयले के ऊपर भी आना पड़ सकता है। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर भी बाय द वे अगर आप देखें एमिशन के उसमें काफी क्लीनर माना जाएगा एज कम्पेयर टू कोल। सो जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, जी।
तो सबसे अब आपने ये बात कही कि नहीं, इसके लिए कोई भी एक एक्चुअली रिसोर्स हम नहीं करते, हम एक रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम लोग उसमें ट्रांजिशंस होती रहती हैं, कभी हम इसके ऊपर आ जाते हैं, कभी उधर पर हम लोग। लेकिन एक चीज़ है, जब हमने ज़्यादातर मैंने देखा जो डेवलपमेंट, जब हम यहाँ पे इंडिया में अगर देखें तो अचानक ये हुआ कि डोमेस्टिक सोलर यूनिट्स लगनी बहुत तेज़ी से शुरुआत हो गई, और उसमें एक फैसिलिटी है जिसमें कि जो पावर बायआउट है, यानी गवर्नमेंट उससे बायआउट भी कर रही है, पावर ले भी रही है, और उसके अगेंस्ट में शायद एडजस्टमेंट्स आपको जिस समय कंज्यूम करना होता है उसमें मिलती है, इसलिए वो चीप पड़ता है। और इसी वजह से आजकल घरों में आप ऊपर देख रहे होंगे, जैसे मैंने बात की शुरुआत में कहा था कि कॉन्क्रीट की छतों पर आज शीशे की आजकल परतें चढ़ी हुई हैं। तो आपको लगता है ये जो डोमेस्टिक जो ये जो चारों तरफ जो फैलाया जा रहा है उससे भी गवर्नमेंट को ये जो मिल रहा है, ये जो सपोर्ट है, आपको क्या लगता है अभी ये जस्ट इट जस्ट द बिगनिंग, या आपको लगता है कि आगे चल के ये चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि हर किसी के पास तो अपना इंडिविजुअल घर है नहीं, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इधर रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक आगे का ये इसमें स्कोप कैसा है? सो हम पहले हिंदुस्तान या भारतवर्ष का ये समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में उनके फुटप्रिंट्स कैसे हैं जी। सो अगर आप सोलर की बात करें, कुछ टाइम पहले भारत 5वें स्थान पे आ गया था सोलर जनरेशन के उसमें विश्व में, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने कैसे पहल करी, या कई सारे देश आगे भी थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 या 8 साल में सोलर के ऊपर काम हुआ है देश में, उससे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हुए हैं, कैपेसिटी 2014 से 2019 के बीच में जो भी सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 11 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। ओके, तो ये एक पूरा प्लान्ड तरीके से है। भारत ने 2010 के आसपास नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया था। ये नेशनल सोलर मिशन ये बोलता था कि हम एक अपनी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो कैसे सोलर से यूज करें और रिन्यूएबल से कैसे करें, मतलब एक बड़े मिशन के अंदर ये एक कंपोनेंट था। तो जब वो मिशन बन गया तो अब ये हुआ कि सोलर से बिजली बनाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो जैसे आपने बताया घर के ऊपर लग रहा है, सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, वो है एक सोलर पार्क लगाना। सोलर पार्क क्या होता है, बहुत एकड़ों जमीन में सोलर के प्लांट लगा के बहुत ज़्यादा अमाउंट में सौर ऊर्जा को यूज करना और उसको ग्रिड में डालना। उसके बाद सोलर पार्क के बाद छोटे प्लांट्स होते हैं जहां पर ग्रिड से ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो जो प्लांट हैं वो ऐसे हैं कि उनकी कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर पार्क से कम होती है। सो जो भारत में एक स्कीम के तहत पूरा रूफटॉप सोलर का प्रोग्राम चल रहा है जी। ये जो स्कीम है ये, और भारत ने क्या किया है, पॉलिसी के तहत अलग अलग एरियाज के टारगेट सेट किए, सोलर पार्क से कितनी बिजली आएगी, नॉर्मल ग्रिड कनेक्टेड बाकी सोलर प्लांट से कितनी आएगी, रूफटॉप से कितनी आएगी, और हर एक एरिया के लिए उनके अपने रोड मैप्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। रूफटॉप में जो ये स्कीम है, इसके तहत जैसे आप कह रहे हैं एक नेट मीटरिंग की योजना आई, जिसमें वो चाहे घरेलू आदमी हो, चाहे कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या इंडस्ट्रियल हो जिसकी बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है, तो उनका जो अनयूटिलाइज्ड रूफ का स्पेस है वहाँ आप सोलर के पैनल्स लगा के बिजली बना सकते हो, उसको खुद भी यूज़ कर सकते हो, और अगर ज़्यादा है तो आप ग्रिड में भी बेच सकते हो। तो आपकी बात, अब मैं उस पर आता हूँ जो आपका क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये है कि अगर हर जगह इतना ज़्यादा बिजली छोटे छोटे जगह से आ रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, अगर लोग अपने घर में अपनी बिजली खुद से जनरेट करें, सो मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल तरीका है बिजली का कि एक प्लांट है कहीं पे और वहाँ से घर तक के बिजली ला के सप्लाई करनी है थ्रू वायर्स, उसमें लॉसेज होते हैं। वो लॉस अगर आप घर पे जितनी बनाओगे तो लॉस खत्म हो गए, तो कॉमर्शियल जो रेट है बिजली का वो इम्प्रूव होगा। ये जितना पास आप ग्रिड लॉस कहते हैं शायद ना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितना आप डिसेंट्रलाइज्ड इज द वर्ल्ड, जितना डिसेंट्रलाइज तरीके से आप बिजली बनाओगे उतने लॉसेस कम, पावर लॉस कम। तो आपने 100 यूनिट बनाई और आपने 99 यूज कर ली,
तो मतलब आपको 99 रुपए का कॉस्ट डिवाइड हो रही है, और 100 बनाई और वहां से लाने में ही 20 यूज करके 88 करी, तो फिर आपके लॉसेस ज्यादा हो गए। तो कॉमर्शियली इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड फॉर अ गुड सिस्टम। बट इसमें मेजर चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि आपने जो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कभी भी एकदम से बादल आ सकता है, अब आप सोचिए अगर हर घर से बिजली आ रही है और एकदम से बादल आ गया और वो बिजली एकदम से बैठ गई, तो आपको कहीं ना कहीं उसको बैकअप करना है राइट। और पूरा जो ग्रिड है, इंडिया का जो ग्रिड है वो दुनिया में लार्जेस्ट ग्रिड में से एक है। इतने अच्छा, सारे ओके। भाई इंडिया अपने आप में एक यूरोपियन यूनियन समझ, सही बात है, सही बात है। सो और वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है जी। और अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो सिस्टम बैठ सकता है जी। और इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को याद होगा जब लाइट बंद करके कोरोना में किया गया था। लेकिन आप हमारे सिस्टम की खासियत देखें, लाइट बंद करी गई और लाइट ऑन करी गई पर कहीं पे भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो हमारा जो ग्रिड सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, यस, ओके। जबकि पूरे देश में एकदम, और हम लोग बदनाम करते हैं कि देखिए इतनी बिजली जाती है हमारे देश में और ये ग्रिड सिस्टम बहुत मजबूत है, ग्रिड बहुत स्ट्रांग है हमारा। और वो ग्रिड को और स्ट्रांग करने के लिए जरूरत भी है, जिसके ऊपर काम भी चल रहा है। और इसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल वर्क, इट इज ऑल्सो अबाउट इंटीग्रेटिंग इट विथ स्मार्ट ऑप्शंस लाइक स्मार्ट ग्रिड एंड ऑल, जहां पर जो रिस्पांस सिस्टम है वो एक पूरा मार्केट आपको यू नो, जो अभी जिस तरीके से आप बिजली खरीद रहे हो बेच रहे हो, वहां से दूसरे लेवल पर ट्रांजिशन करना पड़ेगा, जहां आप छोटे लेवल से भी बिजली लेते हो और उसी हिसाब से आप रिस्पांस, इट विल बिकम अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, मोर कॉम्प्लेक्स। बट लुकिंग एट जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है, वी आर क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड एंड इट विल बी मच मोर स्मार्टर, राइट। थैंक यू सर, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इससे एक बात निकल के आती है। अब आपने बताया कि एक्चुअली जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग कैसे एक जगह अक्यूमुलेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कैसे डालते हैं, उसमें ग्रिड का कितना बड़ा खेल रहता है, उसको किस प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को शट डाउन करते हैं उसके बजाय रिस्टार्ट करते हैं तो पावर एकदम से निकलता है, तो उसमें डैमेजेस बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने चैलेंजेस बताई, आपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने पूरी, आपने शायद ही आपसे अच्छा कोई बता सकता हो। सर अब हम आते हैं करियर ऑप्शंस पर। अब जब हमें ये बात पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में आज के दिन में इतनी ज़रूरत की चीज़ है, इसके ऊपर इतना काम चल रहा है, तो नेचुरली इसमें अब करियर आस्पेक्ट जो हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये भी बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन आज भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली करना क्या है, क्या पढ़ाई करें, कैसे करके आगे बढ़ें, कैसे हम इन रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन में या एज एन इंडस्ट्री हम कैसे इसमें भागीदारी कर सकते हैं जी। देखिए पहले ये समझते हैं कि अभी इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्स चाहिए रिन्यूएबल के लिए, वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम जो ट्रेडिशनली कोल के लिए चाहिए। सो प्रोसेस सेम है, आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है। बट जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है उसको पैनल्स लगाना, उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, वो एक थोड़ा डिफरेंट स्किल सेट चाहिए फ्रॉम जो ट्रेडिशनली एक कोयला का प्लांट सेटअप करना है। सो ये स्किल सेट्स हर लेवल पे चाहिए, फ्रॉम बेसिक यू नो टेक्नीशियंस टू डिज़ाइनर्स जो कि पूरा सिस्टम को डिज़ाइन करें, ये समझे कि किस जगह पर कितना सोलर इरेडिएशन है, कितना उससे बिजली मैक्सिमम बन सकती है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी लगेगी, और उसको ऑपरेट और मेंटेन करने वाला, ये पूरी वैल्यू चेन में हमको लोग चाहिए जी। बहुत ज़्यादा लोग चाहिए जी। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, उसमें कई सिनारियोज में मैन पावर की प्रोजेक्शन करी थी जी, जी। तो जो बेस्ट सिनारियो था वो ये कहता था कि ओवरऑल रिन्यूएबल में, सोलर नहीं, ओवरऑल रिन्यूएबल में आपको करीब करीब 30 लाख नए जॉब्स चाहिए बाय 2050। अब अगर आप 20 से 50 ले लें और ये माने कि ये तो एक लीनियर प्रोग्रेशन है, तो एवरेज 1 लाख जॉब्स आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कितना बड़ा स्रोत बन सकता है, आधी तो आपकी जो आज के दिन में अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए,
क्या इसके ऊपर अब एक स्पेसिफिक कोर्स ही नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए अब तक कि फॉर एग्जांपल बीएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? तो ऐसा कुछ है क्या सर? अभी देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्कूल है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। आप लोग इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं इतना नहीं हूँ, बट मैं बहुत ही बेसिक तरीके से जिस तरीके से मैं गुजरा हूँ वो बता रहा हूँ। तो जब मैंने स्कूलिंग करी तो उस टाइम मुझे रिन्यूएबल एनर्जी, खैर उस टाइम इतना था भी नहीं, बट आज की डेट में हमें यह देखना पड़ेगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या वहाँ कुछ डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर। ओके, मुझे नहीं लगता है। हमारे यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज करके है जिसमें एक चैप्टर हो सकता है, जी जी, बट क्या हम वहाँ से बच्चों का जो एक फाउंडेशन लेइंग होती है वहाँ से स्टार्ट करें, उनको उतना समझ में आ जाए कि दिस इज एन एरिया वेयर दे कैन लुक एट एज अ जॉब सीकर या एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। ओके, वो मुझे लगता है एक मेजर एरिया है जहाँ पर अभी, एंड ये तो पूरा करिकुलम की बात है तो उसमें देखना पड़ेगा। फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो इंजीनियरिंग तो काफ़ी प्रोमिनेंट है हमारे देश में। उस इंजीनियरिंग में ट्रेडिशनल कोर्सेज तो वही हैं, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वो बीटेक भी देता था पावर सिस्टम के ऊपर। बट अभी तक के मैंने ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल रिलेटेड कोर्सेज नहीं देखे। हालांकि मैंने सुना है कुछ एक यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर कर रहे हैं, तो आपकी ये जो बात है बेहतर है कि कुछ एक जैसे बीएससी है या बीएससी इन रिन्यूएबल या बीएससी, और देखिए रिन्यूएबल के मैंने बोला बहुत सोर्सेज हैं, तो बीएससी क्या सोलर में या बीएससी विंड में, हाँ, तो या बीएससी बायोमास में, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर आइडिया आपका। तो अभी फिलहाल आप ये कह रहे हैं अभी ऐसी व्यवस्था में फिलहाल तो नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। कुछ एक पढ़ा है मैंने, मुझे पता नहीं कि उसका कितना वैल्यू एड हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ मैं वही करना चाहूंगा जिससे मुझे इंडस्ट्री में ऑप्शन मिले। सो ये कोर्स हैज टू बी डेवलप्ड विद द इंडस्ट्री इन पार्टिसिपेशन। सर आपने जो बताया था मुझे, हम लोग पीछे बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि आपने MBA इन पावर मैनेजमेंट किया है। बिल्कुल। तो ये मजे की बात ये है कि हम लोग अभी बहुत कम लोग जानते हैं MBA इन पावर मैनेजमेंट के बारे में, कुछ बताएं इसके विषय में। मैंने जैसे बोला ये नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से MBA इन पावर मैनेजमेंट किया था और मैं 2004 में पास आउट हुआ था, उस टाइम पहला बैच था। okay. तो मेरे लिए मतलब एक नया एरिया था, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक एरिया है। MBA करने का हमेशा से मन था, बट मैं ये भी जानता था कि जो मैंने इंजीनियरिंग करी है वो कहीं ना कहीं खो ना जाए। MBA करके आप कुछ भी कर सकते हो, ये ऑप्शन आया तो थैंकफुली मैं सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद इस कोर्स में सबसे अच्छी बात यह थी कि मैंने MBA तो पढ़ा, बट जैसे आप कह रहे हो सब्जेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक पावर सेक्टर, हर सेमेस्टर में दो दो सब्जेक्ट्स भी होते थे। अच्छा। तो उससे मैं MBA तो बना बट साथ में एक स्पेशलाइजेशन, और ये वैसे ही है जैसे कोई फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करता है, कोई मार्केटिंग में करता है, वैसे ही है पावर में था। तो फिलहाल ये एक्चुअली और कितने इंस्टीट्यूट्स में है गया अभी तक? फिलहाल एक ही इंस्टीट्यूट करा अब ये इंस्टीट्यूट में भी आई एम एज फार एज आई नो अभी नहीं हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर डेडिकेटेड कोर्सेज हो रहे हैं। ओके, पावर मैनेजमेंट जी, दो या तीन इंस्टीट्यूट्स तो मैं डालता हूँ जहाँ चल रहा है, और कई सारे जिनसे मेरी बात होती है आई अंडरस्टैंड कि वो लोग भी करने की प्लानिंग में है, बिकॉज ये तो सबको पता है कि रिन्यूएबल एक बहुत मेजर एरिया है जो कि आने वाले समय में जाने वाला नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई कि जो बच्चे इस सेक्टर में, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ, उसमें भी अलग अलग सब सेक्टर्स हो सकते हैं, सोलर का है, विंड का है, आपका हाइड्रो हो सकता है, और अब तो और भी आ रही हैं क्योंकि धीमे धीमे हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं जहाँ से हम लोग एनर्जी रिसोर्स, तो बहुत ह्यूज लाइन बन जाता है। लेकिन सर अब आता हूँ बात जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट? क्योंकि सोलर अब ऐसे इस तरीके से बढ़त हो रही है कि जिस पे हमने सुना था पहले मोजर बेयर इसमें से कूदी और उसने मोजर बेयर ने बहुत ज़्यादा फैलाव किया, उसके बाद और भी छोटे छोटे कंपनीज ने इसको लेना शुरू किया, स्पेशली उन कंपनीज ने काम करना शुरू किया जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर्स और इस पर से थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत किया। क्योंकि अचानक जो अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है डोमेस्टिकली, जब हमने यूटिलाइजेशन देखा तो कई कंपनीज कूद रही हैं। एक चैलेंज जरूर बन रहा है क्योंकि ये अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है।
आप सोलर पैनल अगर अपने घर पे लगाते हैं तो लगभग लगभग मान के चलिए वो पावर आपका कितना कैपेसिटी के हिसाब से है उस हिसाब से लगता है, फिर भी 2.5 लाख से लेके वो 7-8 लाख तक का लग जाता है, और शायद जैसा बड़ा घर होगा उतना हाई उस पर से चला जाएगा। सर ऐसा नहीं लगता कि लोग इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंट हो रहे हैं इसको लगाने के लिए कि जितना हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा ये होता कि हम बैंक में डाल देते तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता तो इसमें हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी तो एक चैलेंज रह जाएगा। तो हम कभी कभी एक साथ डोमेस्टिक जो उत्पादन हम सोच रहे थे उसको ग्रिड में डालने का जो सपना देख रहे हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज में आ जाएगा। या डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप बड़े इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल सेगमेंट देखेंगे तो एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं रेस्को मॉडल, दिस इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनीज। ये बहुत ज़्यादा है कंपनीज, ये एक इंडस्ट्री या एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के पास जाके बोलती हैं आपके इस एरिया में जो भी आपका रूफ है उसमें मैं भी पूरा इंस्टॉलेशन अपने खर्चे पे करूँगा, आप अगले 4 साल 5 साल या 6 साल में इस रेट पे मुझे जितनी यूनिट बनती है आप उसके मुझे पैसे दीजिएगा, जो सेटलमेंट होगा या जो भी होगा वो मैं अपने उस पर कर लूँगा। तो ये रेस्को मॉडल जो है ये बहुत प्रिवेलेंट है। अच्छा। अगर आप देखें सरकार ने भी जो अपने गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे बिड रन करी है वो सब रेस्को मॉडल पे करी है, आपको जेब से नहीं लगाने की जरूरत है। तो क्या ये कॉमर्शियल को भी दे रहे हैं अभी? आप जो कह रहे हैं वो केपेक्स मॉडल कहलाता है, बट वो मतलब ज़्यादातर लोग रेस्को मॉडल पे जाता है। तो एक बहुत मेजर पॉइंट था कि ये जो रेस्कोज हैं ये भी छोटी कंपनीज हैं, और आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स जो नए आ रहे हैं उनके लिए ये एक मॉडल बहुत अच्छा है, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो रूफ टॉप है ये एक बहुत मेजर सोर्स बनेगा। जो भारत ने अभी ग्लासगो में COP26 हुआ था उसमें उनका जो 2030 का पहले टारगेट 450 GW था उसको 500 GW किया, उसको अचीव करने के लिए जो हमारा 2000 रूफटॉप सोलर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन आने वाला है। अच्छा। और जब वो कंट्रीब्यूशन आएगा तो कैसे आएगा, आपको बहुत सारे रेस्कोस चाहिए होंगे जो नए इनोवेटिव मॉडल लेके आए घरेलू के लिए, क्योंकि घरेलू क्या होता है बहुत छोटा है, रिटेलर है, हो सकता है उसको आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ उससे अपफ्रंट ले लो बाकी आप उसको किस्तों में ले लो। तो ये एक बहुत मेजर एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ये एक बहुत मेजर एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जॉब छोड़ के इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप मुझे ये बताइए कि क्या इतनी रिक्विजिट्स हैं, क्या आपको लग रहा है कि अगर छोटे एंटरप्रेन्योर्स इसमें और कूदते हैं तो उनके पास विल दे बी हैविंग अ लेवल प्लेग्राउंड? अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हो तो देर आर वेज, बिकॉज बड़े लेवल पर भी हमको ये देखना पड़ेगा एक सर्टेन फिनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए आपको उस फील्ड में जाने के लिए। सो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं वहाँ पर ये छोटे प्लेयर्स के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप एक सर्टेन काम के लिए छोटा कॉन्ट्रैक्ट ले लें, सो वो भी एक एरिया है। बट जो एंटरप्रेन्योर हम उसको मेरा जो समझ है आज इस सेशन को जो देखेंगे वो होंगे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि रूफटॉप से एंट्री करके आप बड़ा भी कर सकते हैं, हर आदमी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर फिनेंसिंग अरेंजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन हाउ लार्ज यू वांट टू। तो इसमें गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है नए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सेटअप कराने में? हर टाइम पे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है इसके ऊपर, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो गवर्नमेंट का मेजरली ये होता है कि पॉलिसी सपोर्ट रहेगा कि आपने जब एक प्लांट सेटअप किया है उस प्लांट में आप जो बिजली बेचोगे किसी के साथ 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे पावर परचेज एग्रीमेंट का, ये सारा जो फ्रेमवर्क है या बिडिंग ट्रांसपेरेंट हो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वो सारा गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश कर रखा है फ्रेमवर्क स्पेशली फॉर लार्ज बड़े प्रोजेक्ट्स। तो एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत करने के लिए कितने पैसे की जरूरत लगती होगी अगर एक कोई छोटा एंटरप्रेन्योर अगर ये बिजनेस में आना चाहता है तो? देखिए अगर आप 1 MW का प्लांट लगाते हो तो उसकी कॉस्ट 5-6 करोड़ के करीब हो सकती है, बट कई सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, लैंड के ऊपर किस टाइप की लैंड है कहाँ लगा रहे हैं आप, अगर आप महाराष्ट्र में जाके लगाओगे तो जाहिर बात है लैंड की कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप कोई एक रूरल एरिया डोमिनेटेड स्टेट जहाँ पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वहाँ लगाते हो तो हो सकता है थोड़ा कम हो, पर अमूमन 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता है चाहते हैं।
और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ये लगा रहे हो तो उसका फिनेंशियल क्लोजर, मतलब ये है कि आपने उसका जो बायर है उसके साथ आपने सेटलमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उस प्लांट को लगाने का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो जनरली उसका एक प्रोसेस है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी इंस्टीट्यूट है जो बिड्स बड़े बड़े रन करता है प्लांट के लिए, और उसका PPA साइन करवाता है फिर अलग अलग स्टेट से बिजली पहुंचाने के लिए। तो लार्ज प्लेयर्स के पास एक काफी अच्छी लेवल है। राइट, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी एक अलग बिजनेस है पूरा फॉर्मेट। तो मोहम्मद सैद सर, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने हमारे साथ इतना वक्त निकाला, आप इतने ज़रूरत है कि इतने बड़े काम के साथ आप अपने आप को आपने जोड़ रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है और आप इसको बहुत बखूबी से संभाल रहे हैं। अर्नेस्ट एंड यंग इज़ डूइंग अ वंडरफुल बिजनेस आउट देयर, बट एट द सेम टाइम एक आपने बहुत जरूरी बात बताई कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ बात ये नहीं कि आपको नौकरी का ये एक सिर्फ यहाँ पे आया मिलता है, अगर आप बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप लोग एक हब, एक जॉइंट कोलैबोरेशन से भी एक चीज़ें उतर सकती हैं। 5 से 6 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, बट वी कैन हैव सच पार्टनरशिप्स ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आपने बताया, हमें इतनी जानकारियां दी जिसके बारे में वाकई हम लोग को कुछ नहीं पता था। समय समय पर हम आपको याद करते रहेंगे और इस दिशा में और से ज़्यादा जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद सैद साहब, नाउ वी गो ओवर टू शिमुल। थैंक यू शुभांकर जी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला, राइट? इस एपिसोड में हमने मोहम्मद सैद जी से एनर्जी मैनेजमेंट एंड पावर मैनेजमेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया कि कैसे एनर्जी कंजम्पशन और प्रोडक्शन में एक सामंजस्य बनाया जा सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सेक्टर है हमारे लिए बहुत ही न्यू सेक्टर है। पावर सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और आज पावर ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अलग अलग संस्थाओं में उपलब्ध है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर इन इंजीनियरिंग इन पावर एंड एनर्जी के साथ MBA कोर्सेज इन पावर मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट आप नेशनल पावर इंस्टीट्यूट जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और इस कोर्सेज के लिए, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने के लिए। तो कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कोर्सेज के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ करियर काउच विद शुभांकर देखना मत भूलिएगा, एवरी संडे 9 PM ओनली ऑन Prime TV। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।